भैया आज थोड़ा ही टाइम है जरा ना तो जल्दी जल्दी अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड फैक्टर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और उसके साथ है पार्टीशन फंक्शन फैक्टर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड पार्टीशन फंक्शन अच्छा बोर्समैन फैक्टर ये आज हम एक प्रूव करेंगे जी ऑफ जी इन ई इज इक्वल टू जी नॉट ई की पार माइनस ई आई ओवर के टी ये वाली टर्म मेरे पास ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या इसे हम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं अच्छा वॉल्यूम डेंसिटी है यानी कि हाँ जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम उसे हम कहते हैं जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जी जी नॉट इसकी इसका इसको आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं या इसके हम ग्राउंड स्टेट डी भी कह सकते हैं और ये वाली जो टर्म है ई e की पार माइनस ई आई ओवर के टी ये हमारे पास होता है बोल्ट्समैन फैक्टर अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये किस तरह G इज इक्वल टू जी नॉट E की पावर माइनस ई e आई और के टी हमारे पास सिस्टम है एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं या हम यूं कह सकते हैं हमारे पास टू आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें से हीट आपस में इनकी ट्रांसफर हो रही है ई वन यहां से यहां पे जा रही है ई टू यहां से यहां पे जा रही है इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है टोटल <coughs> जो इसकी एनर्जी होगी वो होगी ई वन प्लस टोटल जो कि कांस्टेंट है तो यहां से मैं ई टू को इस तरह भी लिख सकता हूँ कैन बीटन एस ई माइनस ई वन आर ई वन इज इक्वल टू ई माइनस ई टू अच्छा हमारे पास ये जो टू सिस्टम है एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है एक सिस्टम है उसके अंदर हमने टू सिस्टम सब सिस्टम बनाए हुए हैं अब इसकी डी जेनरेसी जी वन है इसकी डी जनरे जी टू है अब इनकी जो कंबाइंड डी जनरेसी होगी उसे हम कहते हैं ज्वाइंट डी जेनरेसी जो कि इक्वल होगी इन दोनों के प्रोडक्ट के कैपिटल जी ज्वाइंट डी जनरेसी डी जेंडेसी सिस्टम वन की इंटू डी जनडेसी दीज, सिस्टम टू की ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होंगे तो ये मेरे पास जो जी है ये डी जनडेसी है इस माइक्रोस्कोपिक स्टेट की अच्छा अब हमारे पास सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पर जब होगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम जितनी हीट लेफ्ट टू तो राइट जा रही होगी उतनी ही राइट टू तो लेफ्ट जा रही होगी इनका रेट सेम होगा लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी तो इसके मतलब है हमारी जो डीजेनरेसी है वो भी हमारी सेम है क्योंकि इनका रेट सेम है तो इनकी जो ज्वाइंट डीजेनरेसी होगी वो हमारे पास इसके वो पे वो थर्मल पे होगी जी हमारे पास थी जी, जी वन जी टू एनर्जी का फंक्शन है ये डीजेनरेसी यहाँ अब मैं दोनों साइड पे नेचुरल लोग ले रहा हूँ टेकिंग नेचुरल ऑन बोथ साइड अब इसमें हम नेचुरल लोग का नेचुरल लोक का जो लॉ यूज करते हैं यहाँ पे अगर दो वेरिएबल्स आपस में या कोई डेटा मल्टीप्लाई हो रहा तो हम उसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो तो उसे हम प्लस कर देते हैं ये टर्म आ गई मेरे पास तो इसको मैं कह रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर इसको आप वन कह लें और इसे टू कह लें अब इस जॉइंट डी का जो मैंने नेचुरल लोकार्थम लिया है ये कांस्टेंट है एल लेंगे कांस्टेंट का मतलब नेचुरल लोग लेंगे तो ये भी मेरे पास कांस्टेंट ही आएगा तो मैं इसका अब डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ई इस इक्विजन नंबर टू का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ई वन पार्शल एल एन जी ओवर पार्शल टू पार्शल एल एन जी वन ओवर पार्शल ई वन प्लस पार्शल एल एन जी टू अब हमने यहाँ पे देखा था E1 इस तरफ जा रही है और E2 इस तरफ जा रही है इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन इनका रेट सेम है तो मतलब इनका जो डिफरेंशियल होगा पार्शियल ले लें या फुल डिफरेंशियल ले लें वो इक्वल है लेकिन माइनस साइन क्या शो कर रहा है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन यहां पे डी डिफरेंशियल कह लें या इसे आप रेट भी कह सकते हैं इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि जी एक जो सिस्टम है वो एनर्जी लॉस कर रहा है दूसरा जो सिस्टम है वो एनर्जी गेन कर रहा है ठीक है। तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव लूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट था जी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया था जी कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास होता है जीरो इसका डेरिवेटिव जीरो आ गया पीछे हमारे पास रह गया जी पार्शियल एल एन जी वन ओवर पार्शियल ई वन प्लस पार्शियल एल एन जी टू ओवर पार्शियल ई वन यहाँ पे प्लस है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा पार्शियल एल एन जी वन ई ओवर पार्शियल ई वन इज इक्वल टू माइनस पार्शियल अब हमने यहाँ पे बताया था कि डी ई वन इज इक्वल टू माइनस डी ई टू आप इसे बेशक पार्शल में भी लिख सकते हैं पार्शल ई वन इज इक्वल टू माइनस पार्शल ई टू तो यहाँ पे मैं ई वन की जगह पे ई टू लिखूंगा तो माइनस साइन आएगा वो वाला माइनस ई टू के साथ जो होगा और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे पार्शल एल एन प्लस पार्शल एल एन ये मेरे पास आ गया इसको मैं इक्वेशन कह देता हूं जी इक्वेशन नंबर है हमारी थ्री मतलब ये है कि अगर हम डी जनरेसी का एनर्जी के लिहाज से डेरिवेटिव लें सिस्टम वन जो है उसकी जो डी जनरे होगी उसकी हम अनर्जी होगी उसके लिहाज से डेरिवेटिव लें वो किसके इक्वल होगी जो दूसरा सिस्टम था डी सिस्टम है उसकी डी जनरेसी और उसका अगर हम एनर्जी के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो ये आपस में दोनों इक्वल हैं रेट रेट ऑफ चेंज बराबर है बिल्कुल इनका जो रेट है एनर्जी के रिस्पेक्ट से वो बिल्कुल सेम है क्योंकि okay, जितनी एनर्जी वो लूज कर रहा है दूसरा सिस्टम उतनी एनर्जी गेन कर रहा है तो ये मुझे पार्शल एल एन जी ओवर पार्शल ई ये मुझे एनर्जी दे रहा है ये एनर्जी है ना मेरे पास क्योंकि ये तो डिजेनरेसी है ये एनर्जी है तो इसको मैं इसके लिख सकता हूं डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो कॉन्स्टेंट है डी जेनरेसी ई एनर्जी है के बी टी पी हमारे पास ये रियल एनर्जी हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है, होती है. <coughs> तो मैं इसको इसको इक्वल लिख सकता हूं पार्शियल एल एन जी ओवर अगर जनरलाइज में बात करूं जनरल इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ जी पार्शियल एल एन जी ओवर पार्शल ई इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन कह लें या जनरलाइज माइनस वन ओवर के बी टी इसको आप अब सेपरेशन और वेरिएबल इसमें यूज करते हैं ये डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पार्शल ई ओवर केबीटी दोनों साइड पे हम इसका इंटेग्रल ले ले लेते हैं यहाँ पे ये डिफरेंशियल इस इंटेगलर से कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल एल एन जी रह जाएगा और यहाँ पे वन ओवर के बी टी कॉन्स्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के वन है वन हमारे पास यहाँ पे वन की जो इंटीग्रेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू तो एनर्जी है तो वो ई आ जाएगी प्लस कॉन्स्टेंट जी नॉट यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं जी नॉट यूज कर लें या सी यूज कर लें इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है यहाँ पे नेचुरल लॉग है तो इसे हम नेचुरल लॉग ही कांस्टेंट लेंगे ये यह प्लस यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा माइनस ई e, इस ई e को मैं से रिप्लेस कर रहा हूँ ओवर केबीटी अब यहाँ पे नेचुरल लोगार्थम का रूल यूज कर लेते हैं अगर माइनस हो रहे हो तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो मैं दोनों साइड पे एक्सपोनेंट ले रहा हूँ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एल से कैंसिल हो जाएगा ये जी नॉट डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी नॉट एक्सपोनेंट माइनस ई आई ओवर के बी टी ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया है okay. इसे हम कहते हैं जी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स ये जी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये एनर्जी का फंक्शन तो ये पे लिख देता हूँ हमारे पास ग्राउंड स्टेट्स डी जनरेसी है और ये मेरे पास बोल्ट्समैन एंड फैक्टर है यहाँ से मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि जो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज प्रोपोर्शनल टू बोल्ट्समैन एंड फैक्टर

स्टेटिसटिकल वेट भी कह सकते हैं और डेंसिटी और इसको आप कह सकते हैं स्टेटिसटिकल वेट्स या डिजरेसी ये ग्राउंड स्टेट है ये ओवरऑल है अच्छा ठीक है इसके बाद जो है हमारा टॉपिक था वो है पार्टीशन फंक्शन पार्टिशियन फंक्शन बेसिकली हमें वॉल्यूम की मेजरमेंट देता है फेस स्पेस में मेजर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इन फेज स्पेस अभी फेस पेस क्या होता है ये बेसिकली हमारे पास होता है सिक्स डिमेंशनल इसकी सिक्स डिमेंशन होती हैं इसको मैं वैसे जनरल लाइ इस तरह लिखने से पार्शल पी पार्शल क्यू इज इक्वल टू एच कट एच लिख लें एच कट क्यूब जिस तरह ये मेरे पास मोमेंटम है और ये मेरे पास पोजीशन है मोमेंटम के तीन होंगे कंपोनेंट्स पी एक्स पी वायड सिमिलरली पोजिशन के तीन कंपोनेंट होंगे क्यू एक्स क्यू वायू जेड अब इनको मैं इस तरह लिख सकता हूँ पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यूवाई पी जी क्यू जी ये अकॉर्डिंग टू हैदनबर्ग कंसल्ट एंट्री द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजिशन इज इक्वल टू एच कट या एच लिख लें जिसकी भी एच कट की क्लॉथ है और ये सिमिलरली ये भी एच कट होगा और ये भी एच कट होगा ये मल्टीप्लाई होके एच कट क्यूब दे देगा और ये एच कट क्यूब हमें बेसिकली वॉल्यूम दे रहा है क्यूब है ये लेंथ विथ और हाइट तो बेसिकली ये हमें फेस स्पेस में किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम को मेजर करता है इसको हम स्टेट्स भी कहते हैं ठीक है। इसकी दूसरी एक डेफिनेशन अच्छा लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इनफाइनाइट आर फाइनाइट एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करते हैं हम फाइनाइट ले रहे हैं या इनफाइनाइट ले रहे हैं तो हम एक सिस्टम ले, ले लेते हैं जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसमें ग्राउंड स्टेट पार्टिकल्स एन नॉट हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम है एन वन हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल्स हैं एन टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल्स हैं एन थ्री थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स के पार्टिकल्स हैं इसको हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसका फार्मूला जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन वन इज इक्वल टू एन नॉट इन ई e की पार माइनस ई आई ओवर के बी टी ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है जिस तरह हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था e. जी ऑफ ई और यहाँ पे जी नॉर्ट था ई e की पार मतलब ये मेरे पास वो, वो था ना क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स मतलब एनर्जी स्टेट्स में पार्टिकल ही एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी तो एन वन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पार माइनस ई आई आर ओवर केबीटी सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू एन टू इज की पार माइनस ओवर के यहाँ पे आई क्या होगा अगर हम वन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास आई की जगह पे वन आ जाएगा आई जीरो से वन नहीं होना चाहिए जीरो और वन नहीं नहीं जीरो नहीं अगर जीरो पुट करेंगे तो वो तो वन नहीं आ जाएगा मतलब ये होगा फिर इसका कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के और ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल इक्वल है ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो होगी ना फिर अगर हम वन की जीरो की जगह जीरो पुट करेंगे तो एन टू हमारे पास होगा एन नॉट ई की पावर माइनस ई टू और केबीटी एन टू तो यहाँ पे ई टू एन वन है तो यहाँ पे ई वन है सिमिलरली एन थ्री तो ये मेरे पास आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस ई थ्री ओवर के बी टी अगर एन फोर की बात करूंगा तो एन फोर इज इक्वल एन नॉट ई की पावर माइनस ई फोर और केबीटी ठीक है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास किसके इक्वल होंगे एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट प्लस ऑन एंड हायर एक्साइटेड स्टेट तो एन को भी हमने डिफाइन किया था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहे हैं

एन नॉट ई की पार माइनस ई टू ओवर के बी टी प्लस एन थ्री एन नॉट ई की पार माइनस ई थ्री ओवर के बी टी एन प्लस सो ओन इस तरह ये आगे चलते जाएंगे क्लियर हो गया ये मेरे पास है जी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब यहाँ से मैं एन इज इक्वल टू एन नॉट सब में कॉमन है एन नॉट कॉमन ले रहा हूँ पीछे रह गया जी वन प्लस ई की पावर माइनस ई वन ओवर के बी टी प्लस ई की पार माइनस ई टू ओवर के बी टी प्लस अब ये एन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा पीछे मेरे पास पहुंच गया जी वन प्लस ई e की पावर माइनस ई वन ओवर के बी टी ई टू ओवर के बी टी अब ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन ठीक है पार्टीशन फंक्शन की यहां से भी एक डेफिनेशन हम ड्राइव कर लिया कि अगर द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जी ये रेशियो है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़ सो इट हैज नो यूनिट और ये वन से बड़ी होगी एक मिनट काइंडली और ये वन से हमेशा बड़ी होगी हाँ जी लेक्चर एंड हो रहा है मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ आपको काइंडली ठीक है ठीक है गाइस ठीक है अल्लाह हाफिज़